शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। संध्या हैदराबाद जा रही है अपनी आंटी के घर। मेरे बेटे ने जहर पी लिया है, उसे बचा लीजिए। कोई बड़ा आदमी था जो एक्सीडेंट में मारा गया। संध्या तुमसे बात करना चाहती है राहुल। रचना, रचना, ए रचना, लड़की कॉलेज में नहीं, माँ घर में नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि संध्या की शादी करवाने के लिए दोनों मंदिर भाग गए? गैस लीक, ये बाप बेटी मुझे जलाकर मार डालना चाहते हैं। अरे कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये हवा से बंद हो गया था। वैसे भी राज पाटिल राजा को कौन मार सकता है? लेकिन रचना कहाँ है? रचना, रचना, रचना मेरी भी। तू इधर है? मुझे लगा तू भी किसी के साथ भाग गई। हाँ? भाग गई ना, भाग गई ना, तेरी बेटी तो भाग गई ना। ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं लौटी। वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो अपने लवर बॉय राहुल के साथ भाग गई। ये सारे के सारे जवान लड़के सिनेमा देख कर खराब हो रहे हैं। जो भी सिनेमा देखो, प्यार और दिल के अलावा कुछ बनाते ही नहीं। दिल वाले दुल्हन यहाँ ले जाएंगे, हम दिल दे चुके हैं सनम, दिल तो पागल है। मुझे कमिश्नर बनने दो, सारे के सारे थिएटर हॉल्स की सीटें उखड़वा कर समंदर में फेंकवा दूंगा, और जो सिनेमा हॉल का पर्दा होता है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके ट्रैफिक पुलिस वालों की चड्डी बनवा दूंगा। अरे जो भी पिक्चर देखो, प्यार प्यार प्यार। हमारी बेटी ने किसी से प्यार नहीं किया। किया किया किया, राहुल से उसने प्यार किया। अगर प्यार नहीं होता तो उनकी हिम्मत कैसे होती कि मेरे घर में आके मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे मांगते और रिवॉल्वर दिखाकर मुझे जान की भी धमकी दी। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचता हूं तो सब लोग मेरे से कांपते हैं, जैसे यमराज को सामने देख लिया है। और मुझे जान की धमकी दी तेरी वजह से। तूने पाला है मेरी बेटी को इस तरह से? माँ, तू आ गई। बहुत अच्छा हो गया। दिखाओ दिखाओ गला, दिखाओ गला, दिखाओ गला, दिखाओ। मंगलसूत्र नहीं है, मांग दिखाओ। सिंदूर भी नहीं है, इसका मतलब इसने शादी नहीं की। गुड 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 गुड। एग्जामिनेशन हॉल में जाके कंप्यूटर का बटन टपटपा दिया ना? हाँ। गोल्ड मेडल के लिए सारा एग्जाम पेपर भर दिया ना? पेपर अच्छा गया पापा। हाँ, तो मतलब तेरे सारे सपने पूरे हो गए। तू देर से आई ना बेटी, इसलिए तेरे डैडी घबरा गए थे। मेरा नाम है राज पाटिल राजा, और राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती। हा? लेकिन एक बात बता, अगर तू राहुल के साथ भाग गई फिर तो ये तकिया गला में बोल ही नहीं सकता। क्या करें क्या? हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग हैदराबाद जाएंगे। पर मैंने तो अभी कपड़े भिगोए हैं। अरे मैं अपनी लंगोट खो के रो रहा हूँ और तू अपने लहंगे की बात कर रही है? अरे एक दिन कुछ कम कपड़े पहन लेगी तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। हम लोग हैदराबाद जाएंगे इसी वक्त, चलो। चल। ओफो, अरे जल्दी तैयार हो जाओ। माँ बेटी मेकअप में लगी हुई है। अरे अपने यार से मिलने नहीं जा रहे हो, मेरे साथ जा रहे हो? अरे हाँ बेटी, सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी, क्या चाहिए जी? वो सब्जी है? अरे इतने से क्या होगा, इधर आओ, ये लो, ये पूरी सब्जी पर कब्जा कर लो, अपने पड़ोसियों को भी खिला देना जी। हमको जरूरत नहीं है, हम हैदराबाद जा रहे हैं मेरी बहन के घर। अगर कल से कोई सब्जी की जरूरत पड़े तो वहां पर आ जाना, ठीक है? क्या है? मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? अरे बस का टाइम हो रहा है, देर हो रही है, चलो। अरे सामान सामान रखेगी कि नहीं तो ढंग से, चल चल जल्दी कर, चलो चलो। बाय संध्या। अरे को चल, ठीक से चलाना, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना, तो रह पड़ूंगा। अरे आगे देख, पीछे का देख रहा है। शबाना, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बताने से तुम वहाँ जाओगे क्या? इतना नजदीक भी नहीं है कि तुम जा सको। प्लीज मजाक मत करो ना, बता दो संध्या कहाँ जा रही है। ठीक है, मेरी वजह से एक बार मार खा चुके हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। संध्या हैदराबाद जा रही है अपनी आंटी के घर। तुम मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकती हो? एड्रेस तो मालूम नहीं है,
लेकिन एक बार संध्या बता रही थी उसकी आंटी हैदराबाद की ओल्ड सिटी में रहती है। ओल्ड सिटी, ठीक है, संध्या हैदराबाद में जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा हाफिज। हरे कृष्णा। तू कहाँ जा रहा है? मैं हैदराबाद। क्यों, संध्या हैदराबाद गई है क्या? तभी तो जा रहा हूँ, वहां मैं उसे दिल खोल के बातें करूंगा। यहाँ के पुलिस के हाथ का मार खा के तेरा पेट नहीं भरा? जो हैदराबाद जा रहा है हैदराबाद पुलिस के डंडे खाने। एक मिनट चुप यार। देख राहुल, तेरे को हैदराबाद जाना है या कश्मीर के बॉर्डर पे जाना है, मगर जाने से पहले जरा ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो देखकर जा। अपॉइंटमेंट लेटर ये जरूर भाई का दिया होगा, इसे मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा सुनो, अगर भाई पूछे तो बोला कि मैं हैदराबाद गया हूं, और हाँ अगर मेरे लिए कोई जरूरी मैसेज हो तो मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके ना, इसी का। और छोड़ना यार, इससे संध्या के अलावा ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। इसकी कोई जरूरत है? अरे अरे फड़ा क्यों? इसकी प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट लाने। रचना, हैदराबाद जाना जरूरी है क्या? लेकिन आप ही बोले कि हैदराबाद जाना है। लेकिन हैदराबाद जाकर क्या होगा वो तो हमको मालूम है ना। जैसे ही मेरी बड़ी बहन मुझे देखेगी एक बड़ा सा लोटा लेकर बाहर भाग के आएगी मेरे पांव धुलाने। वो अभी पुराने संस्कारों को मानती है, लेकिन मेरे पांव धुलाने के पहले ही वो मेरे से पूछेगी, क्या रे राज तू हैदराबाद कैसे आया रे, बिना कोई खबर, बिना कोई टेलीफोन, बिना कोई चिट्ठी। तो बोल दूंगा ऐसे ही आया, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही आया मैं। तो बोलेगी नहीं 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 कोई बात तो है, पहले तो तू कभी ऐसे नहीं आया, इस बार कैसे आया। तो मैं झूठ बोल दूंगा, बोलूंगा कि संध्या का एग्जाम खत्म हो गया, वो बोल रही थी कि हैदराबाद घूमना चाहती है इसलिए मैं उसे हैदराबाद लेकर आ गया। तो बोलेगी आहा, इतने साल तो तू कभी अपनी बीवी और बेटी को लेके नहीं आया, इस बार क्यों आया, क्या बात है क्या बात है, पूछताछ शुरू कर देगी। करेगी कि नहीं? अरे जरूर करेगी। अरे सोचो जब मैं ऐसा हूं तो मेरी बहन कैसी होगी, वो भी मेरी सगी बड़ी बहन। पूछ पूछ कर मेरा सिर खराब कर देगी, मेरा दिमाग खराब कर देगी, मैं गुस्से में पागल हो जाऊंगा। और मैं सच्ची बात बोल दूंगा कि मेरी बेटी एक छोकरे के साथ घूम रही है और मुझे डर है कि कहीं उसका बच्चा इसके पेट में ना पल जाए, इस डर से मैं हैदराबाद भाग के आ गया हूं। अब मेरी बहन मेरे पांव नहीं धुलाएगी, हंसेगी जोर जोर से हंसेगी, और लोटे का पानी मेरे मुंह में डाल देगी और मेरी सारी इज्जत धो डालेगी। तुझे लगता है ये बात बताने के लिए मुझे हैदराबाद जाना चाहिए? लेकिन अब तो हम जाने के सब तैयार नहीं, नहीं मुझे मालूम है, मालूम है। मैंने जबरदस्ती तुम्हें घर से बाहर निकाला, बस अड्डे पे लाया, बस पे चढ़ाया, सीट पे बिठाया, और अब जब बस हैदराबाद जाने के लिए तैयार है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि हैदराबाद जाना जरूरी है कि नहीं। तुझे लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग तुम दोनों के दिमाग से 4 गुना ज्यादा गहरा है, क्योंकि मेरा नाम है राज पाटिल राजा, और राजा को प्रजा धोखा नहीं दे सकती, समझ नहीं सकती। चल सामान उठा, चलो टिकट। हैदराबाद की टिकट है? जी साहब हैदराबाद। हम हैदराबाद नहीं जा रहे। तो फिर टिकट क्यों फाड़ा? अरे जब हम हैदराबाद जा रहे थे तो तुमने टिकट फाड़ा, अब हम हैदराबाद नहीं जा रहे तो हमने टिकट फाड़ा, इसमें सोचने की क्या बात है। ए, चल रहे सामान उठा, चल जल्दी कर। इस आदमी के साथ तुमने अपनी पूरी जिंदगी कैसे काटी ना? चलो। ए, किससे बात कर रही थी है? इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? चल जल्दी कर। एक टिकट हैदराबाद। आहिस्ता उतारो भाई, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अब मैं क्या करूं? ये तूने क्या किया, क्या किया तूने? क्या क्या बात है? What's wrong? उसने बहुत ज्यादा जहर पी लिया है सर। स्टमक वॉशर। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने जहर पी लिया है, उसे बचा लीजिए, कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है?
आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? सॉरी, बचा नहीं पाया डॉक्टर। मेरा बेटा। एक मिनट, ये क्या हो गया? क्या हुआ? इनका एक ही बेटा था सर, बड़ी तकलीफें उठाकर उसे बीएससी तक पढ़ाया। वो लड़का 3 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उस लड़की ने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसने किसी दूसरे से शादी कर ली सर, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी सर। वो लड़का 3 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उस लड़की ने कभी उससे प्यार नहीं किया। उसने किसी दूसरे से शादी कर ली सर। वो बहुत अच्छी है, इसलिए भाई मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। वो लड़का 3 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो बहुत अच्छी है, इसलिए भाई मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। वो लड़का 3 साल से एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो बहुत अच्छी है, इसलिए भाई मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूं। बड़ा आदमी था जो एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, मेरे भैया भी हमेशा यही कहते कि सबको अपना अपना काम खत्म करके एक दिन ऊपर जाना ही है। राहुल का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए तुम में से कोई भी चिता को आग दे सकता है।
आपने कहा था कि हर जन्म में तू ही मेरा भाई बनेगा। नहीं भैया नहीं, मुझ जैसे नालायक को आपका भाई कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। झूठ बोला था आपने, झूठ बोला था। आपने कहा था कि अब कभी मुझसे नाराज नहीं होंगे। धोखा दिया आपने, धोखा। इतना नाराज हो गए कि मुझे अपनी चिता को आग भी नहीं लगाने दी। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? संध्या, तुझे मालूम है राहुल के भैया गुजर गए? हाँ, मालूम पड़ा। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है संध्या, अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है। संध्या, श्री राम के पांव छूकर पत्थर भी अहिल्या हो गई, लेकिन तेरे पत्थर दिल को पिघलाने के लिए कौन से भगवान को आसमान से उतर कर आना होगा? मैं लड़कों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ज्यादातर लड़के हम लड़कियों की जवानी और खूबसूरत बॉडी पर जान देते हैं, लेकिन राहुल उनसे अलग है। उसने तुम्हारी खूबसूरती और जवानी को देखकर नहीं, तुम्हारे दिल को देखकर प्यार किया, सच्चा प्यार। जानती है वो मुझसे इतना क्यों मिलता है? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जितनी देर वो मेरे साथ रहता है, बस तुम्हारी बातें करता रहता है। तुझे हासिल करने के लिए जब मैंने तेरी और उसकी बातचीत का झूठा कैसेट बनाया था, मालूम है राहुल ने क्या किया था? जबरदस्ती वो कैसेट मेरे हाथों से छीन कर कहा था, मैं संध्या को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं उसका प्यार पाना चाहता हूँ, हासिल नहीं करना चाहता। बहुत अपसेट था वो उस दिन। उसके बाद उसने आके वो कैसेट तुझे खुद ही लौटा दिया। ऐसा प्यार करने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है संध्या। अच्छा एक बात बता, तू एनी बेसेंट बनना चाहती है या फिर मदर टेरेसा? आज नहीं तो कल तू शादी करके किसी की तो पत्नी बनेगी ना। एक लड़की के लिए गोल्ड मेडल पाना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल्ड मेडल जैसा पति पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संध्या, दुनिया में हर मर्द तेरे बाप जैसा नहीं होता। ये सही है कि एक अच्छी बेटी अपने माँ बाप की खुशी का ध्यान रखती है, उनकी इच्छा के अनुसार शादी करती है, मगर वो माँ बाप दूसरे होते हैं बेटी। हमारे बारे में मत सोच संध्या, अपने बारे में सोच। तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे मेरे जीवन की तरह बर्बाद नहीं होना चाहिए। नेहा ठीक कह रही थी बेटी, गोल्ड मेडल तो मेहनत से मिल जाता है, पर अच्छा साथी भाग्य से मिलता है। अब तेरा गोल्ड मेडल तेरा राहुल है बेटा, जो तुझसे बहुत प्यार करता है। सब कुछ मालूम हुआ। आई एम रियली सॉरी।
संध्या तुमसे बात करना चाहती है राहुल, वो तुमसे मिलना चाहती है। कल सुबह 8 बजे बीच पर बुलाया है। राहुल, कितनी सारी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अपनी आत्मा पर पड़े हुए पर्दे उतारना कितना मुश्किल काम है। मैं सारी जिंदगी एक ही बात सोचती रही कि मैं खुद कुछ भी नहीं, मेरी दुनिया मेरी माँ है। मैंने अपनी किताबों से सर उठाकर उस दुनिया को देखा तक नहीं जहाँ हंसी गूंजती है, फूल खिलते हैं, प्यार किया जाता है और प्यार निभाया जाता है। खुद को हमेशा यही समझाती रही मैं कि मैं तो एक पत्थर हूँ और पत्थरों के अंदर ना दिल होता है और ना फीलिंग्स। लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे पता लगा लिया कि इस पत्थर के अंदर भी एक दिल है और ये दिल किसी के प्यार में धड़क भी सकता है। आज मैं जानती हूँ कि दिल की तड़प क्या होती है, जागती हुई आंखों की बेचैनी क्या होती है, किसी को मिलने और देखने की तमन्ना क्या होती है। मैं खुद तुम्हें मिलने के लिए 24 घंटे भी अपने आप को नहीं रोक पाई राहुल। हर पल पूरी रात में घड़ी देखती रही, ये सोचती रही कि ये सूरज जल्दी क्यों नहीं निकल रहा। और तुम 4 साल तक मेरे लिए तड़पते रहे, जलते रहे। तुम जीत गए राहुल, तुमने मेरे पत्थर दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आज मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। क्या कहा तुमने? आई लव यू। फिर से कहो। I love you. I love you. इन 3 शब्दों को सुनने के लिए मैं अब तक जिंदा था और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए मैं तुम्हारी छाया, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी सांस बनकर तुम्हारे पास रहना चाहता था। लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए मैं अपना सब कुछ खोकर आज मैं अनाथ बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर तुम्हारे मन में क्या है ये जानने के लिए मुझे 4 साल लग गए। 4 साल? मगर गलती तुम्हारी नहीं संध्या, मेरी है। लड़की के मन में प्यार है या नहीं ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल काफ़ी होते हैं संध्या। लेकिन 4 साल से तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहा, कितना पागल हूँ मैं। मगर इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों हैं, करोड़ों हैं, जो मुंबई के मरीन ड्राइव पे, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, चेन्नई के मरीना बीच पे या दिल्ली के कनॉट प्लेस में, हर शहर हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। मगर उनके दिल में भरे हुए सच्चे प्यार को कोई लड़की समझती ही नहीं। प्यार आदमी को पागल बना देता है, दीवाना बना देता है, खूनी बना देता है। मगर इसी प्यार ने मुझ से पागल को एक इंसान बना दिया। जब मुझे प्यार से प्यार था तब तुम बहुत पसंद थी, अब जब मुझे प्यार ही पसंद नहीं तो तुम कैसे पसंद आओगी? प्यार के लिए तड़प तड़प कर जब हम उसके पीछे पड़े तो प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन मुंह मुड़कर जब हम वापस आ जाएं तो वही प्यार हमें ढूंढता हुआ हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। और वैसे भी प्यार को जाने बिना मर जाने से तो बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर उसे भूल जाएं। एक आदमी के जीवन में 4 साल बहुत कीमती होते हैं संध्या, जो वक्त पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए या माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए होता है, वो 4 साल अपने प्यार के पागलपन में खो दिए मैंने। यही नहीं, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने पिता समान भाई की चिता को आग भी नहीं दे पाया मैं। इतना सब खोने के बाद ही प्यार मिलता है,
तो ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए संध्या। संध्या, ये फैसला मैंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए लिया है जो मेरी तरह प्यार में पागल होकर अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। शायद जो बात आज मेरे दिल से निकली है उनके दिल पर असर कर जाए। मुझे प्यार नहीं चाहिए। गुड बाय। राहुल, राहुल, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल, 4 साल तक जिस बस स्टॉप पर तुमने मेरा इंतजार किया, कल सवेरे उसी बस स्टॉप पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगे। राहुल, राहुल, एक मिनट, राहुल, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। राहुल, राहुल, क्यों राहुल, फिर वो कंप्यूटर क्लास? नहीं, नौकरी। लव इज नॉट हार्ट ऑफ लाइफ, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ लाइफ। हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, प्यार करो, लेकिन पहले अपने माँ बाप के सपनों को साकार करो, अपने भविष्य का निर्माण करो, अपने आप को प्यार करने के काबिल बनाओ, फिर अपने दिल से पूछो क्या यही प्यार है, तो हर धड़कन से यही जवाब मिलेगा, हाँ यही प्यार है। दोस्तों, ये फिल्म देखने के बाद हमारे दिल से निकली ये बात आपके दिलों तक पहुंच गई तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई।